Now this is key elements of effective pedagogy, and it is a subhead, and this subhead is key elements that enable effective pedagogy in classroom is being explained in terms of, number one, ensuring respect and care of elements. मतलब effective pedagogy के जो elements हैं उसमें एक एलिमेंट ये है कि आप इंश्योर करिए रेस्पेक्ट एंड केयर लर्नर्स के लिए. ऐसा नहीं वो डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, डराना नहीं है, उनको ये बताना है कि यू आर इम्पोर्टेंट, इसकी तरफ इशारा है. सो इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ लर्नर्स. दूसरा, बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. और रिसर्च बताता है कि खास के छोटे बच्चों में और इवन एडोलसेंस में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है ये उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित है. तो ये दो बातें कह रहा है कि की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करिकुलम फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता है, यह कहते हुए कि इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ लर्नर्स ये की एलिमेंट्स है, और दूसरा बिल्डिंग पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जरूरी है. पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की जो बात हुई उसके बारे में कहता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप इज बिल्ट थ्रू इंडिविजुअली नोइंग. बच्चे को नाम से जानिए, उसका हाल चाल पूछ लीजिए, मतलब उसको लगे कि द टीचर इज हैविंग कंसर्न, मतलब इंडिविजुअल नोइंग, लिसनिंग केयरफुल्ली टू ऑल. किसी भी बच्चे का, खास के मैं कहता भी हूँ कि गर्ल चाइल्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, डाउन ट्रूडन है, तो उसको सुन लीजिए, चूंकि एक बार आप डांट दीजिएगा तो आपके करीब नहीं आएगा. सो लिसनिंग केयरफुली टू ऑल, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, वेदर ही और सी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनकरेजिंग रेस्पॉन्सेज जो वांछित बिहेवियर है उसको इनकरेज करना है, इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, allow the students to ask question in the classroom, बैठा मत दीजिए, संभव है कि उनका क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं हो, एंड रेस्पॉन्डिंग जेंटली, मतलब उनको कभी डराना धमकाना नहीं है, हार्ड वर्ड्स नहीं कहना है, सॉफ्ट स्पोकन रहना है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव रिलेशनशिप वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज aspects, एंड दीज aspects आर इंडिविजुअल नोइंग, लिसनिंग केयरफुली टू ऑल, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स, encouraging responses, encouraging questioning and responding gently. वहाँ हम लोगों ने जो बात की कि classroom को key elements of enabling pedagogy में क्या क्या ध्यान में रखना है, ये बीच के running part था जो दूसरा part से संबंधित था, जो relationship हमने अभी पढ़ा, जिसमें हमने कई part पढ़े, उसमें all together 8 पार्ट है, और 8 में से 2 को हमने जो शुरू में पढ़ा था वो क्या था, इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ लर्नर्स, अब बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और इसी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करना है के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, रेस्पॉन्सिंग जेंटली अंत में कहा और फिर इंडिविजुअल नोइंग शुरू में कहा. तो इसको यदि हम कंटिन्यू करें तो इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर लर्नर्स, बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, फिर प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही तरह का नहीं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट एंड कोलेबरेटिव वर्क, यूजिंग वेराइड रिसोर्सेज, हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप अप्रोप्रिएट वर्क हैबिट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रुपिंग एंड गिविंग प्रॉम्प्ट एंड मीनिंगफुल फीडबैक, कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो. सो इफ वी से दैट व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट इनेबल इफेक्टिव पेडागोजी इन द क्लासरूम, दीज आर इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ लर्नर्स, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट एंड कोलेबरेटिव वर्क, यूजिंग वेराइड रेस्पॉन्सेज, helping students develop appropriate work habits and responsibility, and the last, giving prompt and meaningful feedback.
So these are the key elements of effective pedagogy. मतलब यदि ये सब है, ये सब हो रहा है, तो जो आपका टीचिंग करने का तरीका है, मेथड है, स्किल है, अप्रोच है, वो इफेक्टिव है. सो दैट इज द पैरामीटर ऑफ इफेक्टिव पेडागोजी. यदि इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. थैंक यू.